कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या मामले में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। आरोपी संजय रॉय पुलिस की हिरासत में है और सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर कई पोस्ट वायरल देखे जा सकते हैं। इसी में सीबीआई के नाम पर एक लेटर वायरल किया जा रहा है, जिसमें कथित तौर पर कोलकाता क्राइम ब्रांच के डीआईजी डॉक्टर आकाश नाग के हवाले से गृह मंत्रालय को पत्र लिखा गया है। इसमें लिखा है कि राजनीतिक हस्तक्षेप और दबाव के चलते वो इस केस की जांच में रुकावट को महसूस कर रहे हैं, जिसके चलते इस केस से वो पीछे हटना चाहते हैं। लेटर में 18 अगस्त की तारीख दिख रही है, साथ ही डॉक्टर आकाश नाग आईपीएस के हस्ताक्षर और मोहर भी लगे दिख रहे हैं। यूजर द्वारा इस लेटर को सच मानते हुए शेयर किया जा रहा है। हमने इस पोस्ट की पड़ताल की है, हमने ये पाया कि लेटर पूरी तरह से फर्जी है। इस लेटर का खंडन खुद पीआईबी फैक्ट चेक में किया गया है, साथ ही सीबीआई ने खुद एक प्रेस रिलीज के जरिए इस पोस्ट को फेक प्रूफ किया है। हमने अपने पड़ताल में ऐसे कोई भी फैक्ट्स को नहीं देखा जिससे ये पता चले कि आकाश नाग नाम का कोई सीबीआई अधिकारी ऐसे पत्र को लिख सकता है। मीडिया रिपोर्टों में भी सीबीआई के स्पष्टीकरण के हवाले से इस लेटर को फर्जी बताया गया है, इसलिए फैक्ट सिंडो वायरल इस लेटर को फेक प्रूफ करता है।